गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करें हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट कराया था और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारे पास, चैप्टर नेम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। ठीक है ना, कांस्टेंट मतलब आपको सबको पता ही है, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होंगे इसमें क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्या होगी हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज द वन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल बताए थे ना, डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जो उनका डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, एंड विच आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर, वो हमारे मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए एक साथ, एंड द कोफिशिएंट आर ऑल कॉन्स्टेंट। और उसके साथ हमारी पूरी इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव भी हमारा क्या होगा, अकर करेगा ओनली इन फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री में ही उनका डेरिवेटिव होगा और वो साथ में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। बाकी सारे के सारे जो कोफिशिएंट होंगे हमारी पूरी इक्वेशन में, वो सारे हमारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। उनको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है बेटा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखो हमारे पास क्या है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है एन टाइम्स के लिए, उसका कांस्टेंट क्या होगा, पी नॉट, पी वन, पी टू अप टू पी एन। तो जो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होगी दैट इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरी फॉर्म में बेटा जो आपके पी नॉट, पी वन, पी टू और पी एन है, ठीक है, एंड एक्स, ये सारे के सारे हमारे फंक्शन है एक्स, या फिर हमारे पास क्या होंगे, कॉन्स्टेंट, विच इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी बेटा हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो ये पूरी की पूरी फॉर्म है, इसमें जो देखो आपकी ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स आपके पास क्या है, एक फंक्शन है एक्स का, या फिर ये हमारा कांस्टेंट हो सकता है। तो जब हमारे पास कोई इस फॉर्म में इक्वेशन होगी, उसकी राइट हैंड साइड हमारे पास फंक्शन होगा स्मॉल एक्स का या फिर कांस्टेंट होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। एंड इफ P0, P1, P2 and Pn are all constant, not function of x, अगर हमारे पास इस पूरी सीरीज में P0, P1, P2 up to Pn ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, एंड x इज सम फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर जो x होगा वो हमारा क्या होगा, कोई फंक्शन होगा x का, तब हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। तो देखो बेटा, ये जो आपकी फॉर्म है ना, इस फॉर्म को ना हमने दो कंडीशन से पढ़ा है, कि अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन में मेरे पास p नॉट, p1, p2, pn और जो x है, ये अगर मेरे फंक्शंस होते हैं x के या कांस्टेंट होते हैं, तब हम इस पूरी की पूरी फॉर्म को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। और अगर हमारे पास p नॉट, p1, p2 और pn ये सारे कांस्टेंट हुए, x के फंक्शन नहीं हुए, और x हमारे पास कोई फंक्शन हुआ x का, तब हम इस फॉर्म वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। तो ये टू केसेस हैं, इन केसेस के हिसाब से हम अपने इस इक्वेशन को जजमेंट लेकर ये डिसाइड करेंगे कि आइदर दिस इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर और आइदर दिस इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर। इसके बाद आता है बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक, द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी। हम ना एक ऑपरेटर पढ़ते हैं, दैट इज योर कैपिटल डी। क्लियर। ये जो कैपिटल डी है, ये आपका एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जैसे मान लीजिए बेटा, आप ना डेरिवेटिव करते हो, है ना, आप क्या करते हो, डीवाई अपॉन डीएक्स निकालते हो। तो हमने एक ऑपरेटर यहाँ पे डिफाइन किया है कि dy upon dx को मैं किससे डिनोट कर सकती हूँ, कैपिटल D से। यानी कि मैं dy upon dx को किससे डिनोट कर सकती हूँ, dy से। क्लियर। और यू कैन से दैट d upon dx को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल
डी। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपकी डिनोशंस हैं, इन डिनोशंस को हमने लेकर चलना है कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो आप उसको किसे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल डी वाई से, और डी अपॉन डी एक्स है तो उसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से। तो ये कैपिटल डी आपके पास क्या है, एक ऑपरेटर है जो आपको इसका रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। सेम लाइक अगर आपके पास है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई, या फिर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर, ठीक है। देन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको हम क्या लिखेंगे, डी क्यूब वाई, और आइदर यू कैन से दैट डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी क्यूब, ठीक है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर क्या की है, डिनोशंस की है, हम इन डिनोशंस की ही हेल्प से क्या करेंगे, अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जहां पर भी आपके पास इक्वेशन में डी अपॉन डी एक्स होगा उसको आप किसे डिनोट करोगे, कैपिटल डी वाई से। क्लियर एवरीवन? तो देखो इस डिनोशन को मैं यूज कर रही हूं, अभी मैंने आपको एक सीरीज बताई है पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू अप टू सोन प्लस पी एन वाई इक्वल्स टू एक्स। देखो अभी मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बताई है, इस फॉर्म में मैंने आपको ये बताया पी नॉट पी वन पी टू ये सब हमारे क्या है कि कंडीशंस बताई है, उसके हिसाब से हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फॉर्म में मैं इनका यूज कर रही हूँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन है, इसको मैं किससे डिनोट करूंगी, कैपिटल डी एन वाई से। कैसे पता चला, देखो यहां पर क्या था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या था बेटा, यहाँ पे टू था तो इसलिए मैंने कैपिटल डी के साथ क्या लिखा है, पावर में टू। सेम यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या चल रहा है, एन ऑर्डर चल रहा है ना, कि हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो एनथ टर्म में है, तो हम इसको किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल डी एन वाई से। प्लस फिर यहां पर क्या होगा, पी वन डी की पावर क्या है, एन माइनस वन, तो हम यहां पर इसको किससे डिनोट करेंगे, एन माइनस वन, ठीक है। सेम यहां पर n माइनस टू है तो यहां पर क्या आ जाएगा, n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, पी एन वाई इक्वल्स टू एक्स। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से मैंने अपनी इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट किया। तो बेटा ये सिंपल हमारे पास एक कन्वर्जन थी कि हम अपनी फॉर्म को, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स गिवन है, उन डेरिवेटिव्स को हम इस ऑपरेटर की हेल्प से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन निकालते हैं ना हम अपनी इक्वेशन का, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम बेसिकली कैसे निकालते हैं बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो इससे पहले मैं आपको इक्वेशन का वो फॉर्म बताने से पहले आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ। देखो बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास इसकी एक थ्योरम होती है कि इफ y इक्वल्स टू वाई वन वाई इक्वल्स टू वाई टू एंड y इक्वल्स टू वाई एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, हमें यहां पर जो फंक्शन है हमारा, y हमारा y1 के इक्वल है, y अगर हमारा y2 के इक्वल है, और y अगर हमारा yn के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, तब हमारे पास जो इस फॉर्म में इक्वेशन होगी बेटा, दिस वन इक्वेशन नंबर वन, देन y इक्वल्स टू सी वन वाई वन सी टू वाई टू प्लस अप टू सो ऑन सी एन वाई एन इज द जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन वेयर दीज आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो वो हमें बोल रहे हैं कि अगर इफ ये कंडीशन है मेरी और ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस फॉर्म वाली इक्वेशन के, तब मैं बोलूंगी कि y इक्वल्स टू सी वन वाई वन सी टू वाई टू अप टू सी एन वाई एन मेरा क्या होगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां पर क्या देखा कि अगर मुझे कोई भी एक फॉर्म दी हुई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एक फॉर्म दी हुई है, उस फॉर्म में अगर मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं इस फॉर्म में, तब मैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन किसको बोलूंगी, इसको बोलूंगी। क्लियर एवरीवन?
इस पूरी इक्वेशन में जो C1, C2, C3 है ये आपके क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये वाला रूल लेकर चलना है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी और इस फॉर्म में इक्वेशन होने के बाद उनके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे इस फॉर्म में, तब उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, जिसमें C1, C2, C3 ये सारे क्या है आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस वन इज योर डेफिनेशन फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमारे पास अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो। कोई मेरे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अगर मैं ऑब्टेन करती हूँ और इक्वेट करती हूँ इक्वल्स टू जीरो, द सिम्बोलिक कोफिशियंट ऑफ वाई इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो सिम्बोलिक कोफिशियंट होंगे वाई के, इट मीन जो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई के जो कोफिशियंट होंगे, सिम्बोलिक कोफिशियंट होंगे, उनको अगर मैं इक्वेट करती हूँ इक्वल्स टू जीरो के, तब हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम डी को क्या लेकर चलते हैं, एलजेब्राइक क्वांटिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। बेटा अभी हम यहाँ डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं, बाकी जो बेसिकली मतलब कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन में क्या होती हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा आता है हाउ टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, एक रिजल्ट बताया था, अब हमें उसको फाइंड कैसे करना है ना। फाइंड करने के लिए भी तो रूल्स होंगे, फाइंड करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होंगे, तो अब हमें वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए पहले मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि मान लीजिए आपको ना एक इक्वेशन गिवन होगी, इस फॉर्म में आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमें बेटा इक्वेशन गिवन होगी उसमें से आपको जो ये y गिवन है ना, देखो यहाँ पे y है ना, हम इस y को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो y को रिप्लेस कर दो और जो सिर्फ आपके पास यहाँ पर ये ब्रैकेट में वैल्यूज हैं उस वैल्यू को मैंने इक्वल्स टू जीरो के रखा है, तब ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्योंकि डेफिनेशन में क्या था कि जो y का हमारे पास क्या है, एक सिंबॉलिक कोफिशियंट है, हमने उसको इक्वेट करना है इक्वल्स टू जीरो। तो y के यहाँ पर पूरा का पूरा देखो ये ही है ना सिंबॉलिक कोफिशियंट, ये तो y यहाँ बाहर कॉमन है। ठीक है, तो y के साथ जो ये पूरी की पूरी टर्म है दैट इज योर सिंबॉलिक कोफिशियंट ऑफ y, तो मैंने इस कंप्लीट को इक्वल्स टू जीरो के पुट किया। ठीक है, तो दिस वन इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, अब हम उन केसेस को पढ़ते हैं। जैसे केस नंबर वन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो रूट्स होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, देखो आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास कुछ रूट्स आएंगे, अगर वो रूट्स आपके पास रियल और डिफरेंट होंगे, क्लियर, अगर वो हमारे पास रियल और डिफरेंट होंगे, तब हमारे पास y किसके इक्वल होगा, e रेस टू द पावर m1 x, y इक्वल्स टू e रेस टू द पावर m2 x एंड y इक्वल्स टू e रेस टू द पावर m n x। तो जो भी हमारे रूट्स होंगे अगर वो रियल और डिफरेंट है, तब हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा ये वाला लेकर चलेंगे। क्लियर है, मैं यहीं पर इसलिए मार्क कर रही हूं, आपको अपनी बुक में ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे तो आपको अपना कंप्लीट सॉल्यूशन ये कंसिडर करना है, और अगर मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो इक्वल हुए, दोनों की वैल्यूज इक्वल हुई एंड अदर्स आर डिफरेंट, बाकी सब अलग हमारे जो रूट्स हैं रेस्ट ऑफ द रूट्स अगर हमारे अलग हुए, तब हमारे पास उसके कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ये वाला। ठीक है, इनको अप्लाई कैसे करना है बेटा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको तब बताऊंगी, अभी फिलहाल आप इनकी कंडीशंस ही देख सकते हो, बाकी आपको इसमें सभी और कुछ नहीं चेक करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कंडीशंस ही ध्यान रखनी है। चलो, एंड द केस नंबर थर्ड इज व्हेन टू रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी। अगर हमारे पास रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं एंड द रेस्ट आर ऑल रियल एंड डिफरेंट, बाकी सारे के सारे जो रूट्स होंगे अगर वो रियल और डिफरेंट होंगे, तब हमारे पास उनका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ये वाला। देखो यहां पर ध्यान से देखो कि यहाँ पे, ठीक है, दिस वन इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर व्हेन यू हैव द रूट्स आर इमेजिनरी एंड रेस्ट आर ऑल द रियल एंड डिफरेंट। ठीक है गर्ल्स, अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक इमेजिनरी से रिलेटेड कुछ क्रोलरी है, जैसे अगर इमेजिनरी रूट भी आपके रिपीट होते हैं, देखो हमारे पास जो भी रूट्स आएंगे हम उन रूट्स के हिसाब से ही जो भी वैल्यूज होंगे उनके अकॉर्डिंगली ही हमें यहाँ पर अपना कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है ना, तो यहाँ पर अगर हमारे इमेजिनरी रूट्स भी रिपीट होते हैं तब हमारे पास उनके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्म होगी वो आपकी ये वाली होगी।
ठीक है। अभी तो बेटा मैं अंडरलाइन ही कर रही हूँ, जब अप्लाई करूंगी ना मैं आप सबको साथ के साथ ये बताऊंगी भी, और ये भी बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है, लिखना कैसे है और समझना कैसे है, ठीक है। और सेकंड में है अ पेयर ऑफ रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे तब हमारे पास उनके कंप्लीट सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होगी, दिस वन। तो ये सब बेटा आज आपको अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर में ये नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो केसेस के अकॉर्डिंगली आप इनके अपने नोट्स बनाओ, जिससे कि जब आप एग्जांपल्स करो आपको अपनी फॉर्म्स थोड़ी सी क्लियर हो, ठीक है। चलो, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज योर व्हाट इज द फॉर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन और रूल टू सॉल्व एन इक्वेशन। देखो अभी मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं, अब उनके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या है बेटा हमारे यहाँ पर, कि टू सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म हमने कैसे सॉल्व करना है, अगर मुझे इस फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स। सबसे पहले आपको रूट्स फाइंड करने हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो ये आपके पास क्या एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब आप रूट्स फाइंड आउट करोगे, उन रूट्स से हमने अपना क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जो अभी हमने सारे केसेस पढ़े हैं ना बेटा, उसके लिए ना यहाँ पर देखो एक शॉर्ट में इन्होंने टेबल बनाई हुई है, यू कैन ऑल्सो लर्न by using this table or you can learn by writing these cases in your notebook, ठीक है। तो जो अभी सारे cases बेटा हमने पढ़े हैं, इन्होंने वो सब यहाँ पर एक table में आपको बनाए हुए हैं short में, जिससे कि आपको theory में अगर देखने में थोड़ी problem हो तो आप यहाँ table से उनको follow कर सको। तो देखो roots of the auxiliary equation, first case मैंने आपको क्या बताया था कि अगर roots हमारे real और different होंगे तब उसका complete solution आपका क्या होगा, ये वाला। अगर हमारे पास दोनों इक्वल हुए और बाकी सारे रूट्स हमारे रियल और डिफरेंट हुए, तब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा फॉर्म, ये वाला। इमेजिनरी रूट्स में अगर आपके पास पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हुए, तब हम इन तीनों में से कोई भी मतलब फॉर्म को अपना कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए ले सकते हैं। और अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स भी रिपीट हो रहे हैं, देन वी कैन यूज दिस फॉर्म फॉर द कम्प्लीट सोल्यूशन। तो बेटा आपको ये टेबल लर्न करनी है, और टेबल लर्न करके अब हमने इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको जो बेटा ये सारे डेफिनेशन, आपको रूल्स बताए हैं, केसेस बताए हैं, अब हम इनके ऊपर एग्जाम्पल्स करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इनके ऊपर बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर वन, देखो हमें ना एक इक्वेशन गिवन है। एग्जाम्पल नंबर वन क्या है आपका, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है हमें बेटा, टू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू माइनस सेवन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। देखो मुझे यहां पर ना एक इक्वेशन गिवन है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे आप ध्यान से देखो बेटा, आपको चाहे सिक्स चैप्टर करे हो, सेवन चैप्टर करे हो, एट चैप्टर करे हो, अब मैं आपको नाइन चैप्टर करा रही हूं, हर एक चैप्टर में ना आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो आपको बेटा यहाँ क्वेश्चन हमेशा पेपर में कैसे गिवन होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सेवन चैप्टर का है, एट चैप्टर का है, नाइन चैप्टर का है ना। तो बेटा हमें बेसिकली जो हमें इक्वेशन गिवन होगी ना, इस उस इक्वेशन की फॉर्म से ही हमें ये जजमेंट लेनी है कि ये हमारा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये अपनी इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब के साथ टू है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो डेरिवेटिव होंगे उनका जो कोफिशियंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो अगर आपके पास डेरिवेटिव के साथ कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसका कोफिशियंट, तो दिस वन इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ठीक है ना। तो इससे हमने जज किया है कि ये आपकी जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट की है, ठीक है ना। देखो सबके साथ यहां पर इसका भी कोफिशिएंट सेवन है, डीवाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट भी सेवन है, तो हम यहां पर कोफिशिएंट्स अपनी इक्वेशन को जज कर रहे हैं। सो वी हैव द गिवन इक्वेशन इज टू डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस सेवन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू जीरो।
चलो बेटा, इसमें आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले उस इक्वेशन को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म हमारी क्या होती है? सिंबॉलिक फॉर्म हम किसको बोलते हैं बेटा, जो अभी मैंने आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर बताया है ना, कैपिटल डी, जब मैं इस इक्वेशन को कैपिटल डी में कन्वर्ट करूंगी, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखो ध्यान से कैसे कन्वर्ट करेंगे। टू मैंने एज इट इज लिखा, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको मैं क्या से डिनोट करूंगी? डी थ्री वाई, ठीक है ना, क्योंकि थ्री ऑर्डर है तो यहाँ क्या आएगा? डी क्यूब वाई माइनस सेवन, सेम यहां पर क्या आ जाएगा? डी टू वाई प्लस सेवन, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने किससे डिनोट करना था? डी वाई से, माइनस टू वाई हमारा क्या रहेगा? एज इट इज। तो जब हम अपनी इक्वेशन को डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं तब वो हमारी क्या बन जाती है? सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा? अब जब आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन में। अभी मैंने आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन की डेफिनेशन बताई है ना, तो अब आपने इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस पूरी इक्वेशन में देखो वाई हमारा कॉमन आ रहा है ना, मैं वाई कॉमन ले रही हूं, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या लेफ्ट हो जाएगी? दिस वन। तो मैंने बेटा यहां पर क्या किया, इस इक्वेशन में से मैंने y कॉमन लिया, ये इक्वेशन आ गई है। अब आपको क्या करना है? y को, ठीक है, मैंने y को नेगलेक्ट किया, तो अब ये जो मेरे पास इक्वेशन मिली है, दिस वन इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब मैंने क्या करना है बेटा, जो मुझे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई है, हमें अब इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। चलो कैसे रूट्स निकालते हैं? देखो मेरे पास जो इक्वेशन है क्यूब की फॉर्म में है ना, तो अब हमने क्यूब के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स कैसे निकालने होते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा क्या होता है बेटा? हाँ जी बेटा, तो हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, वो मेथड हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। वो मेथड हम कैसे यूज करते हैं बेटा? हमें ना यहाँ पर ये जजमेंट लेनी है कि हमारे पास यहाँ पर डी की ऐसी कौन सी वैल्यू को पुट करके मेरे पास ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर डी की वैल्यू वन पुट करती हूँ तो मेरे पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो। चलो चेक करते हैं, मैंने यहाँ पर डी के प्लेस पर क्या पुट किया? वन। मैं पूरी इक्वेशन में डी के प्लेस पर क्या पुट करी हूं? वन पुट करी हूं, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? टू माइनस सेवन प्लस सेवन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। देखो टू से टू कैंसिल, सेवन से सेवन कैंसिल, जीरो हो गया। इट मीन्स ये इक्वेशन जो है मेरी, अगर मैं इसमें डी की वैल्यू वन पुट करती हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो वन है वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? फर्स्ट रूट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? डी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। क्यों लिखूंगी? देखो डी मेरा किसके इक्वल था? वन के। जब मैंने डी की वैल्यू वन पुट करी तभी हमारे पास वैल्यू जीरो हुई है। जब मैं वन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन। सो डी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो दिस वन इज योर फर्स्ट रूट। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने डी माइनस वन से जो आपकी ये इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपने इसको इससे डिवाइड करना है। बेटा ये अभी आपका हिट एंड ट्रायल मेथड ही चल रहा है रूट्स निकालने के लिए, ठीक है ना। अभी मैं कुछ और नहीं कर रही हूं, अभी मैं हिट एंड ट्रायल मेथड ही आपको समझा रही हूं कि अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड के लिए आपको ये पहले चेक करना होता है कि पूरी इक्वेशन में मैं डी की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास टर्म जीरो हो जाए। तो वन पुट करके हम ना खुद से मतलब सोचते हैं कि डी की वैल्यू वन पुट करें, टू पुट करें, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो वन पुट करके जीरो हुआ तो मेरे पास डी इक्वल्स टू वन था, वन हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आ गया? डी माइनस वन। उसी डी माइनस वन से मुझे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपल डिवीजन जैसे हम करते हैं ना नाइन टेंथ क्लास में, हमने बिल्कुल वैसे ही डिवीजन करनी है। चलो देखो कैसे करेंगे। डी माइनस वन है, मुझे यहां पर क्या चाहिए? टू डी क्यूब। तो अगर मैं यहां पर टू डी स्क्वायर लिखती हूं, टू डी स्क्वायर की डी से मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टू डी क्यूब। सेम टू डी स्क्वायर की जब मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? टू डी स्क्वायर। तो मैंने d माइनस वन की किससे मल्टीप्लाई की है? टू डी स्क्वायर से, और टू डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है? साइन चेंज, ठीक है, ये टर्म कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, सेवन माइनस टू कितना हो जाएगा हमारे पास? फाइव डी स्क्वायर प्लस
सेवन डी माइनस टू, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म लेफ्ट रह गई। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वन इज योर माइनस फाइव डी। अब मैं माइनस फाइव डी की अगर डी माइनस वन से मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस फाइव डी स्क्वायर प्लस फाइव डी। अगेन हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, टू डी माइनस टू। बस लास्ट में अब मैं प्लस टू से क्या करूंगी, डी माइनस वन की मल्टीप्लाई, तो मेरे पास हो जाएगा टू डी माइनस टू। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, जीरो। जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उसके बाद जो मेरी यहां पर ये क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है ना, हमने इसको फिर नेक्स्ट में लिखना है। इट मीन्स जब मैंने डी माइनस वन को डिवाइड किया है अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन से तो मेरे पास क्वेश्चन फॉर्म हमारे पास क्या आ गई है, टू डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस टू विच इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बेटा, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जिससे आपने डिवाइड किया डी माइनस वन से और जो आपका क्वेश्चन आया है टू डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस टू, उनको हमने एक साथ एक ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखो अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आता है सॉल्व करना, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के हमने इसको सॉल्व करना है और स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारी स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगी, फोर डी माइनस डी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, देन डी माइनस वन यहां से हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टू डी। तो मेरे पास क्या लेफ्ट होगा, डी माइनस टू, और यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, वन, तो मेरे पास ये वाली टर्म लेफ्ट रह गई है। तो फैक्टर्स बनने के बाद अब हमारे पास क्या क्या ब्रैकेट आ जाएंगे, d माइनस टू एंड टू डी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो बस एट दी एंड आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करके आपने इनको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके आपको टू ब्रैकेट्स मिल जाएंगे। तो ये तीनों ब्रैकेट्स हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के। फिर वन बाय वन पहले डी माइनस वन को इक्वल्स टू जीरो के पुट करना है, देन डी माइनस टू को इक्वल्स टू जीरो के पुट करना है, देन टू डी माइनस वन को इक्वल्स टू जीरो के पुट करना है। तो हमारे पास डी की वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरे पास यहां पर डी की कितनी वैल्यूज आ गई है बेटा, थ्री, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास रूट्स भी कितने होंगे, थ्री होंगे। तो मेरे पास बेसिकली डी की कितनी वैल्यूज आ गई है, वन टू एंड वन बाय टू। तो बेसिकली अब हमने यहां पे क्या निकाले, अपने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट। दीज आर योर रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमने यहां पर रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने आपको केसेस बताए थे, है ना, देखो ये वाले केसेस थे ना हमारे, कि आपको पहले क्या चेक करना है, जो आपको रूट्स मिले हैं वो रियल है या डिफरेंट है, इक्वल है या अलग अलग है। तो बेटा ये जो आपके पास वैल्यूज आई है ना, डी की वैल्यूज आई है, हमें इन वैल्यूज को देखना है कि क्या ये वैल्यूज इक्वल हैं, अलग अलग हैं, क्या है। अब देखो तीनों वैल्यूज अलग अलग है ना, तीनों वैल्यूज हमारी डिफरेंट हैं, तो जब हमारे पास तीनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी और रियल होंगी तब हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो पहले मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर लिख रही हूं कि हियर वी हैव थ्री रियल एंड डिफरेंट रूट्स। देखो हमारे पास तीनों ही जो ये रूट्स आए हैं अलग अलग हैं और डिफरेंट भी हैं, तो इसका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल सी वन ई एम वन एक्स प्लस सी टू ई एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई एम थ्री एक्स। मैंने अपनी यहां पर बेटा ये वाली फॉर्म ले ली कंप्लीट सॉल्यूशन की, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला मैच कर रहा था ना केस, तो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए ये वाली फॉर्म ले ली। अब मुझे लास्ट में क्या करना है बेटा, जो मेरे पास ये तीनों रूट्स आए हैं ना, इसको मैं एम वन लेट करी हूं, इसको मैं एम टू लेट करी हूं और इसको मैं एम थ्री लेट करी हूं। मैंने इनको नेमिंग दे दी, आपको ये पेपर में नहीं करके आना है, आपको जस्ट मैं ये समझा रही हूं कि फर्स्ट वाले को आप एम वन लेट कर लो, सेकंड वाले को आप एम टू लेट कर लो, थर्ड वाले को आप एम थ्री लेट कर लो, और लास्ट में जो आपके पास ये फॉर्म है कंप्लीट सॉल्यूशन की, इसमें जहां पर एम वन एम टू एम थ्री है वहां पे आपने एम वन एम टू एम थ्री की वैल्यू को पुट करना है। तो एम वन के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे बेटा, वन, एम टू के प्लेस पर क्या पुट करोगे, टू, एंड एम थ्री के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, वन बाय टू। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा अभी मैं इस लेक्चर में बस आपको इतना ही करा रही हूं, पहले आप इस चैप्टर के ये बेसिक पढ़ो, डेफिनेशंस पढ़ो और एक एग्जाम्पल नंबर वन ट्राई करो, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर आपका मुश्किल है, तो आप प्लीज इसको रेगुलर डेली के डेली मेरे साथ ही आप ट्राई करेंगे, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू।